那几家，那那一家。पहले कलश हुआ इसे एक तो किरानी में शुद्ध ने जब प्रकट होता है तो वो आत्मा का अनुभव करता है। एक बात तो ये बताई, दूसरी बात क्या बताई, शुद्ध ने के द्वारा जब आत्मा का अनुभव होता है तो उसको आत्मा कैसा लगता है, कैसा आत्मा उसके अनुभव में आता है, अथवा शुद्धनय को आत्मा कैसा लगता है, स्वाद में आत्मा कैसा लगता है शुद्धनय को, उसका कलश में वर्णन था सारा। आत्मा के साथ अनेक प्रकार के भाव, आत्मा से भिन्न प्रकार के, आत्मा से विपरीत प्रकार के भाव, आत्मा के स्वभाव से अनमेल और बेमेल भाव, आत्मा के साथ होने पर भी शुद्ध नय उन भावों के बीच पड़े हुए केवल शुद्ध आत्मा का अनुभव कर लेता है। इस तरह शुद्ध नय प्रकट होता है, आत्मा प्रकट होता है, यूं आत्मा प्रकट होता है नहीं, सचमुच को शुद्ध नय प्रकट हुआ, शुद्ध नय में आत्मदर्शन हुआ। तो पहले ज्ञान में आत्मा अप्रकट था, अनुभव में नहीं आता था, अब वह ज्ञान की एक विशिष्ट दशा शुद्ध नय उपयोग की एक शुद्ध दशा, निर्मल दशा, समर्थ दशा शुद्ध नय उसमें अनुभव में आया। तो ज्ञान ये बोला कि आत्मा प्रकट हो गया, असल में क्या प्रकट हुआ, ज्ञान प्रकट हुआ, क्योंकि यह ज्ञान पहले नहीं था और यह ज्ञान जब इसने आत्मा को जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा जाना और देखा तो इसके अनुभव में आत्मा आया तो वह आत्मा प्रकट हुआ, यह बात कही गई है। वस्तु का स्मरण हो जाए तब वस्तु की तरफ से बोलते हैं, चीज मिल गई है ना, असल में चीज नहीं खोती है, चीज खो गई कहते हैं हमेशा, वस्तु की तरफ से कहते हैं ना चीज खो गई और फिर कहते हैं कि चीज मिल गई, और वो चीज पेटी नहीं थी, पेटी से थोड़ी भी इधर उधर नहीं हिली, जब खोई तब भी नहीं हिली और मिली तब भी नहीं हिली, क्योंकि जब हम उसको भूल गए तो हमने कहा कि खो गई, जब हमें उसका स्मरण हो गया तो हमने कहा कि वो मिल गई, और वो चीज हिली नहीं वहां से, ऐसी नहीं है ये बात, आत्मा खो गया था, कहाँ चला गया था, तो वहीं था आत्मा, तो कौन खोया था, सचमुच ज्ञान खोया था, ज्ञान को आत्मा जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता था, पर और प्रकार का दिखाई देता था, और प्रकार का दिखाई देने पर आत्मा जैसा है वास्तव में वैसी अनुभूति नहीं हो पाती थी। और जब ज्ञान ने गुरुओं के प्रसाद से, गुरुओं की कृपा से आत्मा का सही स्वरूप जाना, उस पर विचार किया और उसका महत्व आया, तो वह ज्ञान उस सही आत्मा का, वास्तविक आत्मा का, पारमार्थिक आत्मा का, पारमार्थिक आत्मा कहते हैं, पारमार्थिक आत्मा का अनुभव करने को समर्थ हुआ। तो ज्ञान ये बोला कि आत्मा मिल गया, आत्मा प्रकट, आज मुझे आत्मा मिला, उसे कहते हैं ज्ञान पुंज आत्मा प्रकट होता है। अब सर्व विशुद्ध ज्ञान को प्रकट करते हैं, ज्ञान पुंज आत्मा प्रकट हुआ ना पहले, अब सर्व विशुद्ध ज्ञान को प्रकट करते हैं, बात तो एक ही है,
जो ज्ञान पुंज आत्मा है उसी का दूसरा नाम सर्वविशुद्ध ज्ञान है। सर्वविशुद्ध ज्ञान का ही दूसरा नाम ज्ञान पुंज आत्मा है। तो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है तो सर्वविशुद्ध ज्ञान किसको कहते हैं, क्या है उसका स्वरूप, उसका विवेचन करते हैं। सर्वविशुद्ध ज्ञान को प्रकट करते हैं उसमें प्रथम आत्मा कर्ता भोक्ता भाव से रहित है। इस अर्थ का और आगामी गाथाओं का सूचक श्लोक कहते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, सर्वविशुद्ध ज्ञान को प्रकट करते हैं, मैंने सर्वविशुद्ध ज्ञान का विवेचन करते हैं, एक बात कही। दूसरी बात क्या है, सर्वविशुद्ध ज्ञान वो केवल कहने की बात नहीं है, प्रकट करने की बात। प्रकट करते नहीं लिखा, प्रकट हो जाएगा अक्षरों में, अक्षरों में प्रकट हो जाएगा। यहाँ तो प्रकट करते हैं लिखा है ना, सर्वविशुद्ध ज्ञान को प्रकट करते हैं तो प्रकट हो जाएगा पढ़ने वाले सुनने वालों का सबका। ये तो प्रकट कर रहे हैं आचार्य, तो उसका अर्थ क्या हुआ। सर्वविशुद्ध ज्ञान वो केवल बातों की चीज नहीं है, वो केवल कहने की वस्तु नहीं है, लिखने की वस्तु नहीं है, केवल चर्चा की वस्तु नहीं है, पर प्रकट करने की वस्तु। इसलिए सभी श्रोताओं प्रकट करना, वक्ता तो कुंदकुंद अमृतचंद्र हैं, इसलिए वो तो प्रकट कर चुके हैं, मैं नहीं हूं, मैं भी श्रोता हूं, लेकिन कुंदकुंद और अमृतचंद्र वक्ता है तो वो तो सर्वविशुद्ध ज्ञान को प्रकट कर चुके हैं। और वे कहते हैं कि सर्वविशुद्ध ज्ञान ही जीवन में प्रकट करने लायक है, क्योंकि जब यह प्रकट हो जाता है तो जीवन में मंगलाचार हो जाता है। मंगल शादी होती है तो मंगलाचार होता नहीं, मंगल ही मंगल हर बात में, सारा ही अमंगल मंगल है, चूकता अमंगल और मंगल ही मंगल। सब हल्दी भी मंगल, घास भी मंगल, लच्छा भी मंगल, कलश भी मंगल मिट्टी का, और वो सदवा स्त्रियां भी मंगल है ना, और वो लकड़ी का वो भी मंगल मंडप, सब मंगल ही मंगल, फेरे भी मंगल, और है सारा का सारा मंगल। जीव को जो पसंद है उसको मंगलाचार कहता है ना। यहाँ कहते हैं कि सच्चा मंगलाचार जिसका एक बार उदय होने के बाद फिर कभी अंत, सदा ही मंगलाचार रहता है, उस मंगलाचार की चर्चा है। उसमें क्या करना होता है, सर्व विशुद्ध ज्ञान को प्रकट करने के लिए उसमें प्रथम आत्मा कर्ता भोक्ता भाव से रहित है यह जाना जाता है। जो सर्वविशुद्ध ज्ञान अर्थात आत्मा है वह कर्ता और भोक्ता नहीं, उसमें कर्तृत्व नहीं और उसमें भोक्तृत्व नहीं है, अर्थात वह कुछ करे ऐसा आत्मा नहीं। क्या, क्योंकि आत्मा संपूर्ण है, इसलिए संपूर्ण आत्मा में कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बात समाती नहीं है, क्योंकि वो स्वयं संपूर्ण है। जिसने उसको संपूर्ण जाना तो वह उस संपूर्ण जानने वाले भाव का सहज करता होगा। कैसा करता होता आत्मा, आत्मा का कर्तृत्व कैसा है, जिसने आत्मा को संपूर्ण जाना, किसने जाना, पर्याय ने, ज्ञान ने, उपयोग ने, मति ज्ञान और श्रुतक ज्ञान ने आत्मा को संपूर्ण जाना, संपूर्ण करना ऐसा नहीं जाना, संपूर्ण होना है ये भी नहीं जाना, मोक्ष जाना ऐसा जाना, मोक्ष जाना ऐसा जाना, जिसने मोक्ष जाना ऐसा जाना तो फिर
बंद है आत्मा को, बंधा हुआ है आत्मा, ऐसा जाना नहीं है। तो बंद मोक्ष की जब चर्चा आती है तो आत्मा को बंद का लांछन लगता है, इसलिए क्या कहना है मोक्ष भी लांछन है, नहीं है लांछन? जेल जाना तो लांछन है ही, जेल से छूटना तो लांछन नहीं है? छूटना 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 भी लांछन छूटा है या छूटा है क्या? इसमें माथा ऊंचा होता नीचा होता? तो पहले सूचना दे चुके हैं आचार्य इसमें कलश में, तो बंध और मोक्ष की रचना से बदा दूर रहता है, रचना से दूर बढ़ता हुआ में बंध और मोक्ष की रचना से आत्मा सदा दूर रहता है, क्योंकि वह आत्मा आठ प्रकार के कर्मों से और आठ प्रकार के कर्मों के साथ होने वाले भावों से अलग स्वभाव वाला है, इसलिए अलग का अलग रहता है। जो अलग स्वभाव वाला होता है वो अपने स्वभाव को कभी खोता नहीं, इसलिए वहाँ ही वो अलग का अलग रहता है और रह लेता है। समुद्र है ना बहुत बड़ा, उसमें अगर एक तेल की बूंद डाल दी जाए तो न्यारी रह सकती है? नहीं, नहीं रह सकती न्यारी, घुल जाए भले उसमें तो न्यारी रहेगी नहीं? एक तेल की बूंद सारे समुद्र में घुल जाए न्यारी रहेगी नहीं? नहीं। तो आत्मा नहीं रह सकता, क्या होगा? तेल नहीं क्या वहाँ? पानी होगी क्यों? पानी होगी, पानी होगी तो फिर ऐसा करो कि एक गिलास पानी पीला ना, पीना उसमें तेल डाल दो पी जाओ, अगर तेल पानी हो जाता हो तो पी जाओ, फिर होता है तेल पानी होता है? अरे एक पूरे समुद्र में एक तेल की बूंद वो अपना अस्तित्व नहीं खोती, भले घुल जाए तो ये चिकनी रहेगी, ऐसा आत्मा नहीं होगा। बंध और मोक्ष के विविध भावों के बीच आत्मा सदा ज्यों का त्यों रहता है। जो मोक्ष से ममत्व छोड़ता है उसका मोक्ष होता है, जो मोक्ष के प्रति ममत्वशील है उसका मोक्ष नहीं होता। तो उसमें प्रथम पहले क्या कहते हैं, सर्वविशुद्ध ज्ञान को जानने के लिए और सर्वविशुद्ध ज्ञान को प्रकट करने के लिए पहले क्या करना होता है? सबसे पहले ये जाना जाता है कि आत्मा कर्ता भी नहीं है और आत्मा भोक्ता भी नहीं। इस अर्थ का और आगामी गाथाओं का सूचक श्लोक कहते हैं, कर्तृत्वं स्वभावस्य चितो वेदैतृत्ववत् अज्ञानं देव कर्तायं तद्भावादकारता। कार का है, कार का है, किसी की कार का है नहीं, कार का है ना, कर लो ये कार का गलत तो आत्मा के लिए है नहीं, तो एक वचन होना चाहिए, कार का तो बहुवचन है, का है समझे नहीं क्या आप लोग? कहा है ना का के आगे दो हिंदी है नहीं, नहीं है। ऐसा कर लो, सद्भावात, सद्भावात मैंने उसके अभाव से अकारक है, द है ना द, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, सद्भावात
और अकार का ऐसी संधि हो जाती है संस्कृत में। कर्तृत्व उच्चस्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं ही अनंत चैतन्य को लेकर बैठा है। तो वह आत्मा चैतन्य के अतिरिक्त क्या करे, और उसमें चैतन्य पड़ा ही है तो वो चैतन्य को क्या करे, कैसे करे। जो आत्मा चैतन्य का समुद्र है, चैतन्य से बना हुआ है, चैतन्य है ना, चैतन्य जैसे अनंत स्वभाव और अनंत शक्तियां जिसके भीतर सदा से ही हैं, तो वह आत्मा क्या करे, क्या करे, किसी गुण को करे। पड़ा है ना, स्वभाव पड़े हैं ना उसमें, स्वभाव पड़े हैं तो उस स्वभाव को करे, करे मैंने नहीं है उसमें, तो जो है उसको क्या करे, और नहीं है उसको, नहीं है उसको करे, लेकिन नहीं है वो कैसे हो, इसलिए वो ना करे, क्योंकि वो स्वयं ही अनंत चैतन्य शक्तियों से संबंधित है, भरा हुआ है। इसलिए कर्तृत्व मैंने कुछ भी करना और फिर करके भोगना, क्या कुछ भी करना और फिर करके भोगना, ये इस आत्मा का स्वभाव नहीं है। करना पसंद है सबको, करना जैसे यहाँ से जाके चूल्हे में माथा देना पसंद है, वो सीढ़ी मिल जाए तो पसंद है, बोलो क्या पसंद है, चूल्हे में माथा दे और फिर खाए, ये पसंद है। पर करना ही ना पड़े और खाना भी ना पड़े, ये पसंद नहीं। मैंने बिना खाए ही अत्यंत तृप्त रहे, ये पसंद है, या खाना पसंद है। खाना पसंद है तो चूल्हे में माथा देना पसंद है, तो बोलो क्या करना है, दोनों में कौन सी बात पसंद है। ये आत्मा ऐसा है जो बंध और मोक्ष के चूल्हे में माथा नहीं देता और बंध और मोक्ष को भोगता नहीं, क्योंकि इसको भोगना नहीं है, इसको जरूरत नहीं है, बिना जरूरत वाला वर्तमान में ही संपूर्ण है, ऐसा आत्मा है। इसलिए कर्तृत्व, कर्तृत्व मैंने कुछ भी करना, ये भी याद रह जाएगी नहीं रहेगी, कुछ भी करने की बात, मैं कुछ करूं, मैं बंधन में हूं और मैं मोक्ष जाऊं, ये आत्मा में नहीं है बात। आत्मा को ये पसंद भी नहीं, क्यों, वो ये कहता है कि मैं बंध से सदा दूर रहता हूं तो मैं मोक्ष क्यों जाऊं, तो जो बंधन में पड़ा हो वो मोक्ष जाए, जो बंधन में पड़ा ही नहीं तो वो मोक्ष क्यों जाए। इसलिए ये निर्बंध अर्थात सदा ही पवित्र है, परम पवित्र है। कर्तृत्व चित्त स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं है, जैसे भोक्तृत्व स्वभाव नहीं है, भोक्तृत्व स्वभाव नहीं है तो कर्तृत्व भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह अज्ञान से ही करता है, वह अज्ञान से ही करता है, आत्मा में अज्ञान से ही करता है ना, करता हो जाता है, तो वह अज्ञान में करता दिखाई देता है, ज्ञान दशा होने पर वह अकर्ता और अभोक्ता दिखाई देता है। अपने को तो कुछ करना भी नहीं और उस कर्म का फल भोगना भी नहीं, कुछ करना नहीं अपने को और उस कर्म का जो उत्पादन है उसको भोगना भी नहीं, क्योंकि हम तो वर्तमान में ही तृप्त हैं, इसलिए हम कुछ करें और फिर उसका भोग करें, ये बात हमारे भीतर ऐसी व्यवस्था हमारी नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम उस करने और भोगने से कुछ उत्कृष्ट तत्व हैं, हमारी जो हमारा जो सिंहासन है करने और भोगने से काफी ऊपर है, अर्थात वर्तमान में ही अत्यंत तृप्त तृप्त है, द्रव्य तृप्त है, द्रव्य करिएगी नहीं बात, द्रव्य तृप्त है,
जब ऐसा निश्चय किया जाता है तो पर्याय ही अपने को तृप्त अनुभव करती है। कैसे अनुभव करती है? कैसे अनुभव करती है? मैं तृप्त ही हूँ, मैं तृप्त ही था और तृप्त ही मैं तृप्त हुई, ऐसा नहीं। तृप्त हुई तो कर्तृत्व आ गया। क्या आया? मैं तृप्त हो गई, इसमें क्या आया? कर्तृत्व आ गया। और मैं तृप्त हूं, मैं तृप्त था और मैं अनंत काल तक तृप्त ही रहने वाला हूं, उसमें अकर्तृत्व आया। मैंने आत्मा में कोई तृप्ति पैदा नहीं की, मैंने अपने में कोई तृप्ति पैदा नहीं की, पर मैं तो उस तृप्त स्वभाव को भूल गया था, बस इतना है। अब उस तृप्त का मैंने स्मरण किया। कैसे स्मरण किया? कि मैं तृप्त हूँ, इस तरह स्मरण किया। वो तो समझने की बात है कि मैंने तृप्त का स्मरण किया, तो किस तरह स्मरण किया? मैं तो स्वयं ही अत्यंत तृप्त तृप्त हूँ। पर्याय का, पर्याय की उल्टी है ना, पर्याय पर्याय दृष्टि है ना, भीतर ही भीतर बेचैन करती है। जब ये सुनते हैं तो बार बार कहाँ ध्यान जाता है? तृप्त नहीं हुआ हूँ, सम्यक दर्शन में तृप्त नहीं हुआ, मोक्ष में गया तृप्त नहीं हुआ हूँ, तृप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? वो तृप्त था, इसलिए वो उसको तृप्त होने की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष में भगवान सिद्ध, हम तृप्त हो गए, ऐसा अनुभव। तृप्त हो गए तो भूखे थे, तृप्त तो बहुत हैं जो भूखे थे, और जो बिना खाए तृप्त हैं वो अच्छे हैं, वो अच्छे। दोनों में कौन अच्छे हैं? जो बिना खाए तृप्त हैं सचमुच उनकी प्रतिष्ठा महान है। आत्मा बिना कुछ किए ही, बिना कुछ भोगे ही अत्यंत तृप्त तृप्त है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए कर्तृत्व चित्त स्वरूप आत्मा का, चित्त स्वरूप का, चित्त स्वरूप जो केवल चैतन्य स्वरूप है, जो सिर्फ ज्ञान स्वरूप, चित्त स्वरूप है ना, जो सिर्फ ज्ञान स्वरूप है, उसका स्वभाव कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है। ज्ञान जब जगत को जानता है तो क्या कुछ अपने आप को जगत में कुछ करता हुआ जानता है और कुछ भोगता हुआ जानता है? नहीं जानता है। तो क्या जानता है? तो जैसा है वैसा जानता। उसने क्या किया? उसने क्या किया? उसने जानने नाम का कर्म किया कि नहीं किया? उसने जानने नाम का कर्म किया कि नहीं किया? नहीं किया। जानने को भले ही कर्म कहा जाए, लेकिन सचमुच वो कर्म नहीं है। क्यों कर्म नहीं है? क्योंकि वो क्या कर रहा है बोलो? वो जिसको जान रहा है उसमें वो क्या कर रहा है? कर रहा है कुछ? नहीं कर रहा, तो उसको कर्म नहीं कहते। सचमुच वो कर्म, कर्म तो उसको कहते हैं कि जहां कुछ करना हो, ठीक है ना। यहाँ कुछ करना हुआ जानने में? कुछ करना नहीं हुआ। इसलिए जानना अकर्म है, अकर्ता है। कर्तृत्व क्योंकि जब जब जगत जानने में आवे तो क्या जानने में आता है? मैं जगत को जानता हूँ कि ऐसा जानता है, या मैं तो सिर्फ जानने वाला हूँ ऐसा जानता है। मैं जगत को जानता हूँ तो बाहर झांकता है, और मैं तो सिर्फ जानने वाला हूँ तो भीतर नहीं। जगत में जैसे किसी भद्र पुरुष को कोई बेईमानी करने का आग्रह करे, है ना, तो वो बोलता है कि हम तो साहूकार लोग हैं, हम ऐसा काम नहीं करते। तो कहां से बोला? बाहर से बोला, भीतर से बोला? मैंने कहां देखा उसने? भीतर अपना जो एक पवित्र धरातल पड़ा है उसको देखकर वो बोला कि हम तो, उसको देखकर बोला, उसको देखकर बेईमान नहीं होता।
इसी तरह जगत का जानने वाला आत्मा कहा जाता है, लेकिन आत्मा जगत को किस तरह जानता है, किस तरह जानने वाला हुआ, भीतर झांक करके। मैं तो सिर्फ जानने वाला ही हूं, बस हो गया, जगत जानने में आ गया, जानने में आ गया कि आया कि नहीं आया, बस ये ज्ञायक हो गया, तो ज्ञायक ही था। मोक्ष ऐसे होता है, ऐसे होता है मोक्ष। मैं तो सिर्फ ज्ञायक अर्थात कर्ता नहीं, तो कर्तृत्व चित्त स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं है, जैसे भोक्तृत्व स्वभाव नहीं है। वह अज्ञान से ही करता है, अज्ञान से ही करता है। अज्ञान सदा ही कुछ न कुछ करने का आग्रह लेकर प्रकट होता है। जहाँ ये कहा जाए कि आत्मा बंध और मोक्ष की रचना से दूर है, आत्मा बंधता भी नहीं है, आत्मा बंध भाव को उत्पन्न नहीं करता, आत्मा राग द्वेष को पैदा नहीं करता, और आत्मा राग द्वेष का फल नहीं भोगता, आत्मा चार गतियों और 84 लाख योनियों में नहीं जाता, उनका फल आत्मा नहीं भोगता, और उस राग द्वेष का अभाव करके आत्मा मोक्ष नहीं जाता, और आत्मा मोक्ष के सुख को नहीं भोगता। कितनी है बात, भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर उथल पुथल नहीं हो जाती। कैसा मत चला है, ये मत कैसा चला है कि आत्मा बनता भी नहीं और आत्मा मोक्ष भी नहीं जाता। मोक्ष में जो सुख पैदा हुआ उसको आत्मा, वो आएगा नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। ये मत कैसा चला है, ये मत नया है, ये 2000 वर्ष की बात। आत्मा बंध और मोक्ष की रचना, रचना किसको कहते हैं, रचना, रचना मैंने करना नहीं, रचना मैंने करना, अर्थात आत्मा बंध को भी नहीं करता, तो फिर बंध का अभाव करके मोक्ष को भी नहीं। जिसने बंध की रचना नहीं की तो वह मोक्ष की रचना कर ही नहीं सकता, और करेगा भी क्यों। इसलिए बंध और मोक्ष की रचना से आत्मा दूर है, तो वह बंधा हुआ और मोक्ष जाने वाला ये अज्ञान में लगता है। क्या कहते हैं, आत्मा बंधा हुआ है ये अज्ञान में लगता है, आत्मा मोक्ष जाएगा ये अज्ञान में लगता है। सचमुच आत्मा न बंधा हुआ है और न वो मोक्ष जाता है, तो अज्ञान, तो वो बंधा हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसने बंधन नाम का एक कर्म पैदा किया है, अर्थात राग द्वेष उसने पैदा किए हैं, और वह राग द्वेष का अभाव करके नया कर्म अर्थात मोक्ष पैदा करेगा। तो ये काम किसमें दिखाई देता है, किसमें दिखाई देता है, अज्ञान में दिखाई देता है। सचमुच जब ज्ञान दशा होती है तो आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा ही दिखाई देता है, वो अज्ञान से ही करता है। ऐसा बढ़िया अधिकार है, ये सामान्य नहीं है। आत्मा अज्ञान से ही करता, बहुत गंभीर गंभीर एकदम, जिसमें मोक्ष उतर आया है, ऐसी है जो अपने आप को मोक्ष की रचना करने वाला मानता है उसका मोक्ष कभी नहीं होता। ये भी है यहाँ पर बात, ऐसा नहीं उसका मोक्ष हो जाता, उसका मोक्ष कभी नहीं होता। और जो बंध और मोक्ष से रहित जैसा पवित्र आत्म तत्व है उसका सम्मान करता है तो मोक्ष होता है। आत्मा का सम्मान करने पर मोक्ष होता है, मोक्ष का सम्मान करने पर आत्मा की इज्जत बिगड़ती है, इसलिए मोक्ष नहीं होता। मोक्ष आत्मा के पास जाने पर मिलता है, मोक्ष के पास जाने पर मोक्ष, मोक्ष से मोक्ष मांगा जाए तो मोक्ष नहीं मिलता, की तरफ झांकता है। मोक्ष आत्मा के पास रहता है इसलिए अज्ञानी को मोक्ष, ये न्याय है कि अन्याय है। मोक्ष किसके बाद रहता है,
आत्मा के पास। और ये मांगता किससे है? किससे मांगता है? ये मोक्ष, मोक्ष से मोक्ष क्यों मांगता है? मोक्ष की तरफ क्यों झांकता है? इसलिए झांकता है क्योंकि इसको आत्मा वर्तमान में गलीच नजर आता है। तो गलीच आत्मा से मोक्ष क्या मांगता? ये तो खुद ही बंधा हुआ है, ये तो खुद ही रागी द्वेषी। जो खुद रागी द्वेषी पापी है, पुण्यात्मा है, अशुद्ध है, अपवित्र है, उससे मोक्ष मांगेगा? नहीं मांग सकता, मांग ही नहीं सकता है ना। इसलिए अज्ञानी वर्तमान में आत्मा को पवित्र नहीं मानता तो वह मोक्ष के लिए आत्मा के पास कैसे जा सकता है? तो फिर वो क्या करता है? तो फिर वो ये झांकता है, सिद्ध से लगी कर मैं मोक्ष जाऊंगा, चला जाना तू कैसे कैसे, मोक्ष तो आत्मा के पास रहता है। नहीं कहा 17-18 का था, नहीं कहा मुक्ति के लिए पहले आत्मा को जानो? नहीं कहा ये कोई सामान्य बात है, कि गंभीर नहीं है बात? उन्होंने नहीं कहा मोक्ष के लिए मोक्ष को जानो, मोक्ष के पास जाओ। जैसे धन का अर्थी कहाँ जाता है? धन का अर्थी कहाँ जाता है? राजा के पास, ठीक है ना। चाहिए क्या उसे? धन। तो धन के पास क्यों नहीं जाता है? तो धन किसके पास रहता है? धन कोई अकेला रहता है? धन राजा के पास रहता है, इसलिए धन का अर्थी राजा के, धन के पास नहीं जाता। तो धन जहाँ रहता है उसके पास धन का अर्थी जाता है। इस तरह मुक्ति का अर्थी कहाँ जाए? कि आत्मा के पास। ये कहाँ जाता है? ये वहाँ जाता है, ये उस आत्मा को छोड़कर मोक्ष के पास जाना चाहता है। दरिद्री है बिल्कुल, इसको विधि का पता नहीं। क्या मार्मिक गाथाएं हैं एक एक वाक्य आचार्य का। ये जो अमृत चिंदी की टीका भी थोड़ी है, उसको कहते हैं कहाँ तक लिखेंगे इसे, लिखते कहाँ तक? कहा जाए तो बरस बीत जाए। इस तरह की अमृत चिंदी की टीका पर भी अगर सोचा जाए वर्ष बीत जाए, एक एक पंक्ति पर मस्त हो जाए आत्मा, सोचता हुआ मुक्ति के लिए आत्मा को जानो, मुक्ति के लिए आत्मा को जानो। तो ये आत्मा तो गलीच है, क्या जाने इसको? जान तो लिया कि तो गलीच है, इसके बाद मोक्ष कहाँ से आया? तो ये झूठ बोलते हैं कि अमृत चंद्र कुंद कुंद झूठ बोलते हैं कि मोक्ष के लिए आत्मा को जानो। मैं कौन से आत्मा को जानू? कौन से आत्मा? तो वो जो सिद्ध होगा ना उसको। अरे पर ये मुक्ति तो खुद ही कह रहे हैं कि जो मोक्ष चाहता है वो आत्मा को जाने, तुम कहते हो वो उस मोक्ष को जाने। तो ये तो कह रहे हैं कि मोक्ष जिसको चाहिए वो इस वर्तमान में पड़े हुए विद्यमान आत्म तत्व को जाने, ये विद्यमान सीमंदर को जाने, ये विद्यमान तीर्थंकर को जाने, होने वाले को नहीं, तब मोक्ष मिलता है क्योंकि वो उसके पास रहता है। तो वह अज्ञान से ही करता है, अज्ञान से ही करता है ना आत्मा, अज्ञान से ही करता दिखाई देता है। तो करता होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। नहीं है उसमें अनेकान। क्या है अनेकान? कि जो शुद्ध चैतन्य तत्व है वो तो सचमुच अकर्ता ही है, लेकिन यह अपने अज्ञान में उस चैतन्य को, उस आत्मा को करता जानता है, करता मानता है, इसलिए पर्यायार्थिक नए से ये करता भी होता है। अर्थात मैं करता हूँ इस तरह से ये करता भी होता है, लेकिन फिर भी वो चैतन्य तो अकर्ता ही है। करता मैंने समस्त ही प्रकार के राग द्वेष, पाप पुण्य, संवर निर्जरार मोक्ष, इन सारे ही भावों से दूर एकदम संपूर्ण और पवित्र रहता है। इसका नाम अकर्ता। वो अज्ञान से ही करता है, आत्मा बंधा हुआ है, और आत्मा का मोक्ष होगा जिसको आत्मा एकांत ऐसा ही दिखाई देता है, उसको कर्तृत्व कहते हैं। एकांत क्या? एकांत दिखाई देता नहीं। जो ये मानते हैं कि आत्मा तो वर्तमान में अपवित्र ही है, जिसने ऐसा जाना और उस अपवित्रता के बीच में चैतन्य पुंज पवित्र पड़ा है, जो ये बात नहीं जानते उनको आत्मा सदैव अपवित्र अर्थात करता ही
दिखाई देता है, उनको आत्मा एकांत बंध और मोक्ष वाला दिखाई देता है। बंध और मोक्ष से रहित वर्तमान में वो परम पवित्र मुक्त है ऐसा दिखाई नहीं देता। और वही वजनी है बात, क्योंकि यह बंधा हुआ है और मोक्ष जाएगा, ये तो अज्ञान में पैदा हुई है बातें। आत्मा तो इस अज्ञान के समय भी इस अज्ञान से पार पड़ा, क्यों का क्यों पड़ा, क्यों पड़ा रहता है वो, क्योंकि वस्तु की व्यवस्था बदला नहीं करती। अपने संबंध में दुनिया जो कुछ भी जानती मानती हो एक बात, और अपने संबंध में अपन जो कुछ भी जानते मानते हो, क्या वैसे हो जाते हैं, हो जाते हैं तो क्या रहते हैं, तो जो हैं वही रहते हैं। दुनिया कुछ भी जाने माने तो हम बदल जाएंगे, और हम अपने संबंध में भूल से कुछ भी जाने माने तो कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे एक संपन्न व्यक्ति है, अत्यंत संपन्न, और दुनिया उसको दरिद्री माने कि क्या रखा है इसके पास, तो उसका उसके उन नोटों के बंडलों का क्या होगा। और ये स्वयं भी अपने आप को दरिद्री माने तो क्या होगा, उनका जल जाएंगे, आग लग जाएगी, क्या होगा, क्यों का क्यों नहीं रहेगा, वैसे के वैसे रहेंगे। दुनिया के द्वारा हमको जो कुछ भी जानना मानना, अथवा स्वयं अपनी भूल से स्वयं अपने को जो कुछ भी जानना मानना, इससे द्रव्य की व्यवस्था में फर्क नहीं पड़ता। इस तरह अज्ञानी आत्मा को बंधन वाला, एकांत बंधन वाला, पर्याय में बंधन की कल्पना है वो बात सत्य है, पर आत्मा बंधा हुआ, पर्याय में तो बंधन की कल्पना, बंधन की कल्पना के कारण आठ कर्म भी आए, आठ कर्म भी आत्मा के साथ बंधन को प्राप्त हुए, ये बात सच्ची। आत्मा नरक भी गया, निगोद भी गया, ये बात सच्ची। लेकिन सारी अवस्थाओं में पवित्र आत्मा ज्यों का त्यों पड़ा रहा, क्यों, क्योंकि उसको भूलने के कारण इनका जन्म हुआ। कब जन्म हुआ, जैसे अपनी स्थिति बहुत अच्छी हो ना और अपन कम माने, तो कभी बादाम का हलवा बना के खा सकेंगे, नहीं खा लेना, कभी घी आएगा घर में, घी नहीं आएगा तो उनका नोटों के बंडलों का क्या होगा, तो अगर करोड़पति है तो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं होगा, तो वो बादाम का हलवा बनेगा कि नहीं बनेगा, वो भी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, हमेशा लूखी रोटी क्यों चलेगी चौके में, क्यों चलेगी, क्यों कमी मानता है, मैंने उधर नहीं देखा, वो जैसा है वैसा अपने आप को नहीं माना, इसलिए पर्याय में दरिद्रता चलती रहेगी। तो कहते हैं ये आत्मा में अज्ञान नहीं हुआ कि हुआ ना, राग द्वेष नहीं हुए कि हुए ना, आठ कर्म नहीं बंधे बंधे ना, आत्मा नरक और निगोद नहीं गया कि गया है, क्यों गया, क्या जवाब है, आत्मा जैसा था पवित्र संपूर्ण भगवान जैसा वर्तमान में वैसा, तो वैसा नहीं जाना माना तो ये दशा तो होगी थी, इसमें क्या बात है, लूखी रोटियां और क्या, अच्छी कहां से खा लेगा, अब तो कर्तृत्व भोक्तृत्व समझ में आएगा कि नहीं, अज्ञान से ही आत्मा करता है, आत्मा अपने आप को अज्ञान से ही एकांत बंधन मय जानता है मानता है। तो कहते साहब अनेकांत में मान लेंगे हम, तो अनेकांत में बंधन में मानना कैसा होता है, कि वो ऐसा होता है, आत्मा तो जो द्रव्य है सत्ता, वो तो सदा से है ना, और हमेशा ही वो दूसरों से नियारी पृथक है नहीं। आत्मा किसी के साथ मिल गया, अगर वो किसी के साथ मिल जाता सचमुच, तो शरीर के साथ जल जाता नहीं, जला, आठ कर्मों के साथ आत्मा रहता है तो वो आठ कर्मों के साथ ही नष्ट नहीं हो जाता, क्योंकि आठ कर्म जो प्रति समय नष्ट होते हैं, नजरा होती है, नए नए आते हैं पुराने जाते हैं, तो उसके साथ में थोड़ा थोड़ा आत्मा भी कट जाता, ऐसा हुआ। अनंत पदार्थों के बीच वह ज्योंका क्यों रहा, क्योंकि द्रव्य है ना सत्ता, उस सत्ता में कभी अंतर पड़ता नहीं, वो जो चैतन्य सत्ता है उसको ऐसा का ऐसा नहीं जाना, तो क्या जाना कि मैं तो बंधा हुआ हूँ। अरे भाई ये बंधन तेरे तब पैदा हुआ है कि जब उसको नहीं जाना, कब पैदा हुआ बंधन,
जब आत्मा निर्बंध तत्व है उसको नहीं जाना तो ये बंधन पैदा हुआ है। तो हम इस बंधन से इनकार नहीं करते, ये बंधन पैदा तो हुआ है लेकिन ये बंधन सच्चा नहीं, ये बंधन तो उसको नहीं जानने से पैदा हुआ है, इसलिए इस बंधन पर विश्वास मत करना। सिर्फ इतना जानना कि हुआ तो है, हुआ तो है, इतना जानना, लेकिन मैं ऐसा हूं ऐसा मत जानना। इसका नाम अनेकांत। बंधन में अनेकांत कैसा होता है कि क्योंकि मैं आंख बंद करके चला इसलिए खड्डे में गिरा और पांव तो टूटा है, ये तो मानना, लेकिन पांव टूटना चाहिए था कि अंधा हो जाए फिर हमेशा के लिए आंख बंद कर ले। इस तरह आत्मा तो सदा से अनंत विश्व के बीच में ज्यों का त्यों है, ये बात तो पक्की। वो कभी भी अपने स्वभाव को, अपने चैतन्य को खोता नहीं है, बदलता नहीं है। पुद्गल के साथ रहकर पुद्गल नहीं होता, अजीव के साथ रहकर अजीव नहीं होता, तो जो अजीव इसके साथ रहते हैं वो जीव नहीं बनाता। ये दोनों ही बातें होती हैं, शरीर कभी जीव नहीं बनता और आत्मा कभी शरीर नहीं बनता, तो ज्यों का त्यों रहता है। इस बात को चूंकि ये नहीं जानता है इसलिए बंधन पैदा होते हैं। तो बंधन पैदा हुए हैं भूल से, अज्ञान से, इतनी बात सच्ची। लेकिन बंधन सच्चे हैं, बंधन सत्य है, अर्थात वो जो भाव है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं किसी के साथ हूँ, मैं किसी में मिला हुआ हूँ, अथवा मैं वर्तमान में ही अजीव हूँ, अथवा ये जो शरीर है ये मेरे साथ रहकर जीव हो गया, ये बात सच्ची है। दो तरह की बात मानी जाती है ना आज, क्या मानते हैं, एक तो जिंदा शरीर और एक मुर्दा शरीर। ये दो तरह का शरीर होता नहीं, नहीं होता दो तरह का शरीर, एक जिंदा और एक अभी जिंदा है। अभी जिंदा है शरीर, अभी जिंदा है, मैंने जो गधा है वो घोड़ा हो गया, एक गधा घोड़ों के बीच में रख दिया जाए तो घोड़ा हो जाएगा, तो ये शरीर आत्मा के साथ रहकर जिंदा हो जाएगा। ऐसे स्वभाव पलटते हैं वस्तु को। जिंदा शरीर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिंदे के साथ रहता, इसलिए जिंदा केवल कहा जाता है वास्तव में नहीं। तो जिंदा कहने से ये पता लगता है कि ये जिंदे के साथ है। क्या एक पत्थर पड़ा हो सड़क पर, कोई कहता है जब उसको, कोई जिंदा कहता है उसको, नहीं कहता है। इसको जिंदा क्यों कहते हैं कि इससे ये पता चलता है कि ये जो पुद्गल का ढेला है ये वर्तमान में आत्मा के साथ है, बस इतना कहा जाता है। जैसे दूध की कैटली, तो जिसमें दूध है उसमें कैटली दूध की है, और जिसमें दूध नहीं है उसमें कैटली दूध की नहीं है। तो जिसमें दूध है उसमें कैटली किसकी है, दूध की। दूध की है तो उसको भी खाना चबाना फिर, या स्टील की है तो क्यों कहा फिर, क्योंकि ऐसी भी स्थिति होती है जब दूध और कैटली नजदीक नजदीक आ जाते हैं, तब हम उसको इस तरह पुकारते हैं, उस दूध को प्राप्त करना, प्राप्त क्या करना है, दूध प्राप्त करना है, क्योंकि दूध उस समय वहां है, इसलिए हम उस दूध को कैटली के दूध के नाम से, अगर दूध को कैटली के दूध के नाम से नहीं पुकारे तो कोई लाके बता देगा, आपने ला देगा कोई, दूध कहाँ है, तो जवाब मिला कि दूध तो दूध में है, अब ले आओ, देखो ले आओगे। दूध प्राप्त करने के लिए क्या करना, तो उसके साथ कैटली लगाना, कैटली लगेगी नहीं लगाने से, लेकिन उसके साथ कैटली लगाना तो वो दूध प्राप्त हो जाएगा। इस तरह आत्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा के साथ शरीर लगाना, ये आत्मा कहाँ रहता है, शरीर में रहता है, और शरीर कहाँ रहता है, ये आत्मा के साथ रहता है। इस तरह दोनों में एक दूसरे के स्वभाव का आरोप किया जाता है, सिर्फ आरोप किया जाता है, स्वभाव बदलते नहीं। ऐसी व्यवस्था लोक में भी है, क्या तो जाएगा, मिथ्यात्व मिट जाएगा, बहुत सारा मिथ्यात्व मिट जाएगा, क्योंकि आत्मा को वहाँ ढूंढते थे ना, फूलों में, फूलों में, तारों में, चंद्रमा में, आसमान में ढूंढते नहीं, तू फूल में, तू पत्ती में,
तू आकाश में, तू चंद्रमा में, हे भगवान तू जल थल नभ सब में है। तो इससे क्या हुआ कि आत्मा तो शरीर में, इससे क्या हुआ इतनी दुनिया तो हमारी खत्म होगी कि नहीं? नहीं हो गई, और वो प्राप्त हो गया तो वहां रहता है, फिर भी वो उसके साथ एक मिनट नहीं होता। इस शरीर में से आत्मा निकल जाता ना, जलाते तो बाद में है ना, तो जो आत्मा निकलता है तो उसके साथ थोड़ा बहुत खून वून लिपटा हुआ देखा नहीं किसी ने? किसी ने नहीं देखा आज तक? मरते हुए बहुत देखे अपने सामने ही, तो किसी ने वो आत्मा निकला? निकला तो होगा कि नहीं? नहीं निकला तो उसके साथ थोड़ा बहुत लाल लाल कुछ नहीं दिखा, खून वून ऐसे ही निकल गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो सबके बीच में बिल्कुल निर्मल और पवित्र रहता है, ऐसी कला है उसमें। हर द्रव्य में इस तरह की कला है कि वो अन्य पदार्थों के और अन्य पदार्थों के स्वभावों के साथ रहकर भी अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है। ऐसा आत्म तत्व वो सिर्फ अज्ञान से ही कर्ता और भोक्ता नजर आता है। अज्ञान का अभाव होने पर अकर्ता है, अकर्ता है अर्थात मैं तो पूर्ण हूँ और मुझे कुछ करना नहीं है। मैं न बंध को करता हूँ और न मैं मोक्ष को करता हूँ।